नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे, इसको बहुत अच्छे से समझना है हमने। डिस्ट्रस्ट क्या होता है? पहले तो हमको ये समझना है कि ट्रस्ट क्या होता है, भरोसा। अब डिस्ट्रस्ट क्या हो गया? भरोसे का ना होना। अब भरोसा हम किसी पे कब नहीं कर पाते हैं? जब हमारा पास्ट में कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, है ना। अब जैसे आपने अपने क्लासमेट से अपनी कोई पर्सनल बात शेयर की, ठीक है, उस पर ट्रस्ट रख के, लेकिन उसने वो बात अगर जाकर 4 से 5 लोगों को बता दी, तो क्या अब आप दोबारा उस इंसान से कोई पर्सनल बात शेयर करेंगे? नेवर, राइट? सेम गोज बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबॉर्डिनेट एज वेल। अगर सुपीरियर ने ट्रस्ट रख के पहले सबॉर्डिनेट के साथ कोई कम्युनिकेशन की थी, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर किया था, कोई बात शेयर की थी, लेकिन अगर सबॉर्डिनेट ने वो बात आगे जाके 5 से 6 लोगों को बता दी, या मान लीजिए कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम रही हो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, तो वो कभी भी दोबारा कॉन्वर्सेशन करते टाइम उन पर ट्रस्ट नहीं रखेगा। तो यहां क्या लिखा है? इफ द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट बिलीव ईच अदर, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज इन इट्स ओरिजिनल सेंस। इसका क्या मतलब है कि अब दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है। सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को कोई बात बताई, ठीक है, मान लो सबॉर्डिनेट को सुपीरियर पे ट्रस्ट नहीं है। अब सबॉर्डिनेट अंदर से क्या सोचेगा? मेरे को इस पे ट्रस्ट नहीं है, ये जो बोल रहा है ना, इसके पीछे इसकी कोई चाल ही होगी, या ये झूठ बोल रहा होगा, या ये सच नहीं बोल रहा होगा। तो ये चीज क्या है? डिस्ट्रस्ट। समझ रहे हो आप इस चीज को कि यहां पर सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे में विश्वास ही नहीं है, और जहां विश्वास नहीं है वहां बात को वो ओरिजिनल सेंस में कभी भी परसीव करेंगे ही नहीं। उन्हें हमेशा ये लगेगा कि ये गलत ही बोल रहा होगा, इसके दिल में कोई चोर है, या ये जो बात कर रहा है ये सही हो ही नहीं सकती। इट कैन बी बिटवीन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, या ये आपस में मैनेजर्स हैं जो सेम लेवल पे हैं। ये दो मैनेजर्स हैं जो सेम लेवल पे हैं। अब क्या हुआ, इसने इसकी पहले चुगली लगाई हुई है सुपीरियर को, अब क्या, अब ये अगर आके इसको कोई अब बात बताएगा तो क्या ये आगे से इस पर कभी बिलीव करेगा कि ये चीज है, ये एजेंडा है, ये हमारी लास्ट डेट है, हमें इस पर काम करना है? इसको इस पर कभी ट्रस्ट नहीं होगा, ये खुद ही सुपीरियर से कंफर्म करने जाएगा, क्योंकि इसको ट्रस्ट ही नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब फटाफट से इसको सुनाएंगे सारे बच्चे। चलिए, डिस्ट्रस्ट।